दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। हमारे चैनल के कई लोग दोस्तों जो हैं वो इन दिनों इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं, कुछ लोग निराश भी हैं। और निराशा स्वाभाविक भी है क्योंकि एक साल से ये लगभग ऊपर हो चुका है और जो इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल नहीं हो रहा है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो बताने के लिए आया हूँ। और ये अपडेट जो है, मैं चूंकि अग्निबाण न्यूज़पेपर जो इंदौर से छपता है, मैं वहाँ पर रिपोर्टर भी हूँ, तो आज ही मैंने अग्निबाण में भी मैंने वो समाचार दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूँ, फिर हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर हम लोग कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों समाचार ये है कि इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक फीचर जो उसमें शामिल था कि इसमें शास्त्री ब्रिज को, इंदौर का जो शास्त्री ब्रिज है जो कि नए और पुराने शहर या कहें पूर्वी और पश्चिमी शहर को जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है, लगभग 70 साल से भी पुराना है और जिसे तत्कालीन रेल मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथों जो है वो इसका उद्घाटन हुआ था और इसी वजह से इसको लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज जो है वो कहा जाता है। तो इसको ये चूंकि अपनी उम्र पूरी कर चुका है और नीचे ब्रिज के नीचे जो रेलवे का जो पोर्शन है वहाँ पे जो इसके पिलर हैं वो बहुत बाधक बने हुए हैं। तो रेलवे ने पहले तय किया था कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है, चूंकि इंदौर के प्लेटफॉर्म सीधे करना है, लाइनें जो आड़ी तिरसी जो हैं तो उनको ठीक करना है, तो ये वाला ब्रिज जो है उसको तोड़ के, पूरा डिसमेंटल करके नया ब्रिज जो है वहाँ पर बनाया जाए। ताज़ा अपडेट दोस्तों ये है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है शास्त्री ब्रिज को तोड़ के नया बनाने का, ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ये हटा दिया गया है। अब ये हटाने के पीछे दो तीन वजह है। एक तो कॉस्ट कम करना, क्योंकि इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है आप जैसे जानते हैं 942 करोड़ से भी अबव जा चुकी थी, ट्रेवलेटर वगैरह जो है वो उसमें जुड़ गए थे। और कुछ अभी ये प्रोजेक्ट फाइनल लगभग होने की स्टेज पे है, लेकिन ये अभी ये कंफर्म खबर आ गई है कि इसमें शास्त्री ब्रिज जो है वो अब नहीं टूटेगा। इस तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए जो है जो रेलवे को खर्चा करना पड़ते तो अब ये इसमें बच जाएंगे। और आपको ये बता दूं कि रेलवे अब इसमें करेगा क्या, जगह चूंकि भाई जगह तो चाहिए, अपने लाइनें और जो प्लेटफॉर्म है थोड़े बहुत तो सीधे करना पड़ेंगे, हालांकि पूरी तरह सीधे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन कर्व वगैरह थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में जो मेन रेलवे स्टेशन है इंदौर का, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से याद होगा कि वहाँ पे बीच में खाली पड़ी ज़मीनें हैं जहाँ पे पहले लाइनें होती हुई हुआ करती थी, बाद में उसको रेलवे ने हटा दिया। तो ये ज़मीनों की तरफ जो है वो लाइनों को सरकाया जाएगा दोनों तरफ से, तो प्लेटफॉर्म 1 और 4 की सर्कुलेटिंग एरिया की स्पेस बढ़ जाएगी। मतलब यूं हम सोचें तो मतलब जो अभी लगभग जो उसकी चौड़ाई जो है, जो यह पटरियों का जो एरिया है, तो उसकी चौड़ाई को जो है वो उसको कम किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा और दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म को इधर पास में लाया जाएगा, तो इससे बाहरी एरिया जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर स्पेस और बढ़ जाएगा। तो अब कुछ ये वाली प्लानिंग की है, चेंज हुआ है। जो लोग ये वेट कर रहे हैं इंदौर रेलवे स्टेशन अपने रीडेवलपमेंट का कि अब क्या होने वाला है, तो उनको बता दूं कि बहुत जल्दी 7 से 8 दिन में ये रेलवे बोर्ड से अप्रूव होने जा रहा है और इसमें बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज है पूरे प्रोजेक्ट में। और अब जो ऐसा मेरे को जो सूचना मिल रही है कि अब वो 2 फेज में होगा, वो सिंगल फेज में इतना बड़ा वो पूरा काम नहीं होगा। और वेस्टर्न रेलवे जो है वो अब रेलवे बोर्ड की अनुमति जैसे ही मिलेगी वो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के जो टेंडर हैं वो इसमें फ्लोट ये कर देगा, शायद तक ये मार्च तक ही संभावित है ये पूरा। और दोस्तों लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का जैसे मैंने आपको बताया वो अभी बोर्ड में विचाराधीन है, तो ये संभव है कि ये जैसे ही अप्रूवल होता है तो इंदौर और उज्जैन और लक्ष्मीबाई नगर, ये जो 3 जो मेजर स्टेशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा राशि जो है वो खर्च होना है, तो इन सब का जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है वो ये करवाया जाए, या फरवरी एंड में होगा या मार्च में होगा, जब भी होगा।
और फिर इसका जो है काम जो है, जब भी ये टेंडर वगैरह आएंगे, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी, तो ये सब पूरे अप्रूवल्स के बाद में जो काम चालू होगा, मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव के बाद ही काम चालू होगा। अब प्रधानमंत्री जो है वो उसका वर्चुअली इसका लिए फाउंडेशन करते हैं या खुद फिजिकली यहाँ पे आके ये करते हैं, इस बारे में अभी कोई कोई मतलब ऑफिशियल कोई ये भी जानकारी नहीं है। ये केवल एक एक उम्मीद है, एक ये कयास है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं इंदौर और उज्जैन के, तो इसलिए तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों ही इनका लिए फाउंडेशन कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ा अपडेट था, और जैसा कि आप जानते हैं मैं समय समय पे रेलवे की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। अग्निबाण में भी मैंने समाचार छापा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यदि आप यहीं यदि आप पढ़ते हो तो उसमें भी आपको कुछ डिटेल जो है वो आपको मिल सकती है। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, मैं चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।